जी स्टूडेंट्स, अब सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहते हैं जी? पहले हम यही फर्स्ट पार्ट करेंगे। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इन नंबर्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है जी? पहले हम ये देखेंगे, फाइव कितने टाइम्स लिखा हुआ है? फाइव, 1, 2, 3, 4 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो 5 की पावर 4 होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 5 की पावर 4। अब हम देखेंगे नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से कौन सा आंसर है जिसमें ये देखें 5 की पावर 4 लिखा हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये फर्स्ट पार्ट में इनकी क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? 5 की पावर 4। जब सेकंड पार्ट में भी हमने यही बताना है, दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इन नंबर्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है जी? देखिए, -3/7 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो पावर 4 होगी, -3/7 की पावर 4 होगी। ये देखें, इसकी फर्स्ट ऑप्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, -3/7 की पावर 4, तो इसको हम क्लिक करेंगे जी। अब थर्ड पार्ट में भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी बतानी कौन सी है। पहले देखेंगे पी कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स है ना पी, तो p की पावर 5 होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है p की पावर 5 जी। अब फोर्थ पार्ट में देखें, अब हम इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताएंगे। 1/10 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 3 टाइम्स है ना 1/10, तो 1/10 की पावर 3 होगी ये इसकी ये ऑप्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, 1/10 की पावर 3, इसको हम क्लिक करेंगे जी। अब फिफ्थ पार्ट में देखें, इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? 31 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, तो 31 की पावर 5 होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी, ये है 31 की पावर 5, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जी। अब सिक्स पार्ट में देखें, इनकी भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताने कौन सी है। एक्स वाई कितने टाइम्स हैं? 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो एक्स वाई की पावर 4 होगी, ये ऑप्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्स वाई की पावर 4 जी। अब लास्ट पार्ट में हमने इनका आंसर बताना है। पहले देखेंगे कितने टाइम्स हैं ये -1, -a, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम है ना, तो इसका आंसर होगा -a की पावर 6, ये इसकी ऑप्शन है, -a की पावर 6।